प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों आज की क्लास में हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 10th क्लास की एपी, उसके टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको टाइप वन के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जनरल टर्म यानी nth टर्म ऑफ एपी ड्राइव करवाया था और उसके बारे में आपको फॉर्मूले के बारे में समझाया था। इवन मैंने लास्ट क्लास में आपको nth टर्म फ्रॉम एंड से भी बताई थी और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, ये सब मैम एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर इसके एपी के में हम कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर मतलब इजी से डिफिकल्ट लेवल के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, और जो टाइप है उस टाइप का नाम है फाइंडिंग इंडिकेटेड टर्म। इंडिकेटेड टर्म का मतलब बेटा वो बोलेगा डायरेक्टली आपसे कि 11th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो वगैरह। और अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी ना तो मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। जहां आपको पता होगा ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो हमारा एन होता है वो आपको बताता है पोजीशन ऑफ टर्म, मतलब पहली टर्म या सेकंड टर्म वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखिए बेटा यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक से लिया मैंने, कि कह रहे हैं फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, वी हैव एपी जो है हमारे पास में -5 बाई टू जीरो और कॉमा 5 बाई टू एंड सो ऑन इस तरीके। तो आप देखो बेटा फर्स्ट टर्म है जो एपी की वो -5 है। डी आपको फाइंड करना आता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लो और बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करो। अगर माइनस है तो आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। तो -5 अब 2 तो है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 प्लस 12 से मिलेंगे तो ये हो जाएगा 10 और नीचे जाएगा 2, यानी जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया आपका 10 में से, ये भी 5/2 वो भी प्लस का। नाउ nth टर्म क्या होती है बेटा, nth टर्म ऑफ एपी वो होती है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा 11। तो 11 टर्म हो जाएगी बेटा, यहाँ एन के प्लेस पे 11 रखेंगे और ए के प्लेस पे हमें रखना है -5 प्लस और ये हो गया 11 माइनस वन और डी के प्लेस पे हमें रखना है 5/2। तो यहाँ से बेटा -5 और ये प्लस में आ गया आपका, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 और 5/2, ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका -5 और 25 यानी 20, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ यूज करते हैं, हेंस 11th टर्म इज 20 और डायरेक्ट लिख सकते हैं ए 11 इक्वल टू 20, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है आपके पास में, इसने बोल दिया ना कि एपी है तो आप समझ लो वो एपी गिवन है, बस हमें प्रोसेस करनी है उसके ऊपर क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले देखो बेटा, वी हैव जो एपी है उसको आप लिख सकते हैं ये कॉलम बना के, ये 2, 7, 12 एंड सो ऑन। यहाँ क्लियरली फर्स्ट टर्म 2 है और जो कॉमन डिफरेंस है 7 - 2 यानी 5 है, और 10th टर्म निकालनी यानी n इक्वल टू 10th है। तो हम जानते हैं बेटा n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन डी। तो आप यूं भी लिख सकते हो a 10th निकालनी है तो a प्लस 10 माइनस वन डी यानी a प्लस डायरेक्ट 9d लिख सकते थे, ठीक है। तो a के प्लेस पे आपको 2 रखना है और 9 इंटू डी के प्लेस पे आपको रखना है बेटा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 2 और ये आपका 45, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 47। तो इजी था बेटा क्वेश्चन। तो 10th टर्म क्या होगी बेटा, इज 47, दैट इज a 10th इक्वल टू 47।
ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इजी था, सिंपल थे क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट टाइप है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। और इसके बाद जो सेकंड टाइप है, जो एंथ टर्म फाइंड करना एंड से, या कोई सी भी टर्म फाइंड करना, वो भी सिंपल है। ठीक है, तो आप पहले इन क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं आपको थोड़े एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ। बहुत सिंपल और छोटी सी टाइप है, इसको फिनिश करते हैं जल्दी से। चलिए, तो चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है, टाइप हमारी वही है, फाइंडिंग इंडिकेटिंग टर्म ऑफ ए गिवन एपी। तो उसका थर्ड क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एपी। ये यानी इन्होंने एक एपी आपको प्रोवाइड करा रखी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का जो 30वां स्थान पे जो टर्म आ रही है ना, जो 30 यानी 30th प्लेस पे जो टर्म है, उसकी वैल्यू को हमें लिखना है। तो बेटा नॉर्मल वैसी टाइप है, ये सब टाइप सबसे सिंपल है, लेकिन इंटरेस्ट करने के लिए आपका, कि एपी के अंदर इंटरेस्ट लगे। एपी बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन हम, मैंने बोला ना कि इजी से डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे हम, तो धीरे धीरे आप छोटी छोटी सी टाइपों को करते जाओ, और हम वही टाइप पे पहुंच जाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बट ये करना भी जरूरी है। तो देखो बेटा, वी हैव, सबसे पहले देखो बेटा, एपी है हमारे पास में बेटा 10, 7 और 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म आपको क्लियरली नजर आ रही है कि यहाँ पे 10 है, और कॉमन डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि देखो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से डिफरेंस फाइंड करोगे, लेकिन बाद वाली में से पहले वाली को, तो यहाँ आ जाएगा आपका -3। नाउ उसने बोला है 30th टर्म, यानी एन की वैल्यू उसने बोल दिया 30। तो हमें पता है कि ए एन टर्म कितनी होती है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन डी। और अगर आपको 30th टर्म निकालनी है, तो ए प्लस, देखो 30 में से 1 29D हो जाएगा। ठीक है, तो बस रख दो बेटा, ए के प्लेस में हमें रखना है 10 + 29 × D के प्लेस पे 3। और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आप देखो बेटा 29 का 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 30 को आप 3 बार करोगे 90, तो 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 87, वो भी माइनस का, तो ये आ जाएगी बेटा आपकी -77। तो ये आपके 30 पे प्लेस पे, यानी जैसे जैसे हम देखो, पहली टर्म है 10 और फिर कम होती जा रही है 7, फिर 4, ऐसे नेगेटिव भी आएगी, डिफरेंस चल रहा है ना -3 का, तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये आएगी हमारी जो टर्म है 30वें प्लेस पे, ये आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन इसका, वो कहता है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है और आपको इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है, तो चलिए बेटा वही वही प्रॉब्लम उसी तरीके से जैसे अभी हमने करी है। तो वी हैव एपी, देखो बेटा, तो -3, -1/2 है, और 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आप देखो क्लियरली, फर्स्ट टर्म आपको जो पहले प्लेस पे रखी है वही होती है, तो -3, और डी होता है कि कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म लो, बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसके आगे माइनस है, तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि मिस्टेक होने के चांसेस कम रहे। तो ये हो जाएगा बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, इधर लिख देता हूँ -1 और -, ठीक है, और ये 2 से भी हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1, और ये प्लस का 6/2, यानी डी आ जाएगा आपके पास में 5/2 आ जाएगा। क्लियर बेटा, नाउ अगर हमें कौन सी टर्म पूछिए, 11 टर्म, तो मैं डायरेक्टली देता हूँ, 11 होगी हमारी a + 10d, यानी a के प्लेस पे हमें रखना है -3 + 10, और d के प्लेस पे क्या रखना है बेटा हमारे को, ये रखना है 5/2, तो ये कट हो जाएगा बेटा आपका 5 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका -3 + 5, 5 + 25, और ये आ जाएगा आपका 22, तो 11 टर्म हो गई बेटा आपकी 22 आ गई। क्लियर है, तो ये टाइप बेसिक है और सबसे सिंपल है, तो बस इतने इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं बेटा इंडिकेटेड टर्म के ऊपर। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक वगैरह सबसे करा दिए। ठीक है, तो आप इसको टाइप को ढंग से आप पहले प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइप कराता हूँ इसके बाद में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक जुड़े रहो और छोटे छोटे टाइप को करते रहो, और हम पूरा चैप्टर कवर करें। चलिए।